कैमल कार्ड सफारी एंटर कर रहा है ओवरटेक, कहता मुझे थोड़ा जल्दी है जाने तो। भागे भागे डर के। 4x4 टायर ही कामयाब है, अदरवाइज तो बस समझो आप टाइगर मिलने की उम्मीदें कम हो गई। 100k सब्सक्राइबर्स स्पेशल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप। फिलहाल मैं हूँ राजस्थान के रॉयल रणथंबोर में और आज बहुत ही अमेजिंग जंगल सफारी का एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे हैं। सुबह के बजे हैं 6, अंधेरा है वैसे हल्का हल्का। ये हमारा होटल है, होटल रणथंबोर रिजोर्ट, जहाँ स्टे किया है। यहाँ से निकल रहे हैं और कैंटर है 6 बजे आने का। देखो अभी अंधेरा है और 6 बजे जाने का मजा अलग है, वैसे ठंड है हल्की हल्की सी। हमारा कैंटर आ चुका है और ये है हमारे आज के ड्राइवर साहब और वो उधर है गाइड। आपका नाम? सरदार। और आपका? संजय। संजय, ठीक है तो चलते हैं। ये कैंटर है, ये अप्रॉक्सीमेटली 20 लोगों की सिटिंग होती है। इसमें जीप राइड भी होती है जिसमें आप 2 से 3 पैसेंजर जा सकते हैं। थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लास्ट मोमेंट पे उसकी बुकिंग मिलना मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो ये कैंटर मिला है और इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ओपन है, स्पेशियस है और अच्छा व्यू मिलने के चांसेस हैं और हल्की हल्की सी बारिश भी है भाई। हल्की हल्की बारिश में मज़ा आएगा। यहाँ पे भी कुछ और पैसेंजर जो है पिक कर लिया है। मॉर्निंग में अगर आप रन सफारी जाते हैं रात में तो सबसे परफेक्ट रहेगा। अभी का वेदर देखो यार, क्या गजब हो चुका है। ऊपर देखो जाटी पेड़ होते हैं, जाटी पेड़ आपको राजस्थान में आओगे ना इस टाइप के जाटी पेड़ होते हैं ना, यही दिखेंगे। कैंटर है वो बिल्कुल ऐसे रूप से देखो ओपन होता है, गजब का। आपको फ्री एयर भी मिलेगी, आपको फ्लो ऑक्सीजन और नेचर एक्सप्लोरेशन और टाइगर मिल जाए तो बस कहना ही क्या। टाइगर जो है ना, टाइगर देखने जा रही है। इतना खूबसूरत फोग और वेदर देखो यार, वाह। इतनी गाड़ियाँ, कैंटर, जिप्सी यहाँ पहुँच चुकी हैं। सुबह सुबह का ये माहौल है भाई, इतने रश की उम्मीद तो हमने की थी। अगर वीकेंड पे आओगे तो ऐसा ही माहौल मिलेगा भाई। ये देखो ये कैब भी दे रहे हैं। फ्री है क्या? फ्री है क्या? यहाँ पे एक ऑफिस बना हुआ है, वनपाल नाका शेरपुर, देख लीजिए, बाघ परियोजना रणथंबोर स्वाई माधोपुर। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्वाई माधोपुर है राजस्थान का। और यहाँ पे आई थिंक एंट्रेंस के लिए यहाँ से कुछ पर्ची वगैरह करती है और कितने पैसेंजर हैं उनके नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे एंट्री होती है ताकि सेफली आप वापस आ सकें। ऐसे है यहाँ का कुछ एंट्री गेट। पीछे का माहौल देखिए, एक बार हमारा कैंटर तो भर गया है और कितने ज्यादा कैंटर जिप्सी यहाँ पे लगी हुई है। बाप रे बाप, सैटरडे संडे घर आओगे ना ये माहौल आपको मिलेगा। कोशिश करें वीक डेज में आने की। देखो स्वाई माधोपुर की रणथंबोर स्पेशल हैट ले सकते हैं, 400 रुपए की बोली है। मैंने कहा थोड़ा डिस्काउंट दे दो। दे रहे हो क्या? 350 अच्छी है, वैसे आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। कैंटर रुका है परमिशन लेने के लिए और एंट्रेंस गेट यहाँ का इतना खूबसूरत है। और यहाँ पे कुछ वार्निंग भी लिखी हुई है जो आपको फॉलो करना बहुत मैंडेटरी है। सीट बेल्ट आपको वेयर करनी है, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग एरिया नहीं है बिल्कुल, कोई भी ड्रिंक या स्मोक ना करे। और नॉइस नहीं करनी, जैसे ही आप इसके अंदर एंट्री करते हो तो ज़्यादा नॉइस नहीं होनी चाहिए, लाउड म्यूजिक या लाउड बोलना चिल्लाना वो सब मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उनका आपको ध्यान रखना है। और ऐसी कुछ खूबसूरत एंट्री है जहाँ पे आपको टाइगर मतलब हूबहू बहुत सुंदर पिक्चर यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, टाइगर मिलेगा। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है जोन 5 में रणथंबोर नेशनल पार्क। ये टाइगर रिजर्व है, इसकी जोन 5 में एंट्री हो चुकी है। इस जंगल की डेंसिटी देखो यार, यहाँ से तो इतनी खूबसूरत है, ऊपर आपको पहाड़ भी दिखेंगे अरावली हिल्स के, वाह। और ऐसा कुछ नैरो रास्ता है दोनों तरफ पहाड़, वाह यार। ये एंट्रेंस गेट आ गया, लाल किला, वाह सच ब्यूटीफुल एंट्रेंस। नीचे यहाँ शेर के मुँह से पानी निकल रहा है। अच्छा सीरीन ब्यूटी, वाओ। यहाँ बीच बीच में यहाँ पे पॉन्ड भी बने हुए हैं। बर्ड्स की चिर्पिंग यू कैन हियर।
फोग देखिए आप चारों तरफ, यहाँ पे अभी फोग ही फोग है। मॉर्निंग में आए हैं तो इतनी फोग मिलने के चांसेस हाई हैं, और बारिश है ना, ऊपर से क्लाउडी भी वेदर है पूरा। अब देखो यहाँ से पूरा का पूरा नेचर स्टाइल जैसे होता है ना, यहाँ का पैटर्न चेंज हो गया है। ऐसे सिर्फ पेड़ मिलेंगे आपको, जाटी कीकर के पेड़ होते हैं, इस टाइप का रहेगा। उधर मुड़ चुके हैं उस तरफ, या अलग अलग जोन डिवाइड होते हैं, जैसे अगर उधर से जाएंगे तो वहाँ का कुछ और गेट या जोन है। इधर से यहाँ पे जोन 5 है ये, ओ देखो 5, तो इधर देखो उधर चला गया एक उधर जोन के लिए, और यहाँ से जा रहे हैं हम जोन 4 और 5 के लिए। यहाँ से एंट्री है जोन 4 एंड 5, एंट्री गेट पे गाड़ी रुक गई है, और जोन 5 के लिए हम एंट्री करेंगे। टोटल इस रणथंभौर नेशनल पार्क में 10 जोन है, और हर जगह टाइगर स्पॉट करने के चांसेस होते हैं, बट जोन 4 और 5 जो है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा हाईली रहता है उसमें कि मिलेंगे टाइगर। और पूरी देखो यहाँ पे ये भी साथ में एक और कैंटर आ गया, कैंटर ही कैंटर लगे हुए हैं लाइन से हमारे पीछे, देखो इधर इधर भी हर जगह। डेंस फॉरेस्ट, और नीचे पानी मिलने की उम्मीद थी पर सूखा सूखा है। आराम से चिल्लाना नहीं, हाँ हाँ हॉरिन हिरन कितना क्यूट लग रहा है। लेकिन माय नेम इज संजय मीना, मैं नेचर गाइड हूँ आपका, और हमारे साथ ड्राइवर साहब है सरदार साहब। हमारा रूट नंबर 5 है, रणथंभौर के अंदर 10 गेट है सफारी के लिए, 1-5 गेट यहाँ है, और 6-10 जस्ट अपोजिट साइड है। रणथंभौर का 20% एरिया ओपन है सफारी के लिए, 80% रिजर्व फॉर कंजर्वेशन। रणथंभौर ड्राई डेसिड फॉरेस्ट है, मानसून के बाद जंगल सूखता ही जाता है, और जितनी गर्मी पड़ेगी उतना डेड जंगल हो जाएगा, लेकिन उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी हो जाती है और उतने ज़्यादा चांस होते हैं टाइगर दिखने के। रणथंभौर में टाइगर को ढूंढने के 2 ही तरीके हैं। टाइगर मैक्सिमम टाइम ट्रैक टू ट्रैक ही चलता है, जहाँ पर अपनी गाड़ी चलती है उसी से आइडिया लगता है, फुटप्रिंट छपते हैं, फुटप्रिंट से कितने पुराने टाइगर कहाँ से कहाँ तक गया होगा, और मेल फीमेल का पता भी चलता है। जो मेल के पंजे छपते हैं स्क्वायर में छपते हैं, और फीमेल के रेक्टेंगल में छपते हैं। दूसरा अलार्म को डीएस मंकी की कोल से ही टाइगर का पता चलता है। रणथंभौर के अंदर 8 तरह की केट पाई जाती है, टाइगर, लेपर्ड, केरेकल, जंगल केट, डेजर्ट केट, फिशिंग केट, रस्टी स्पॉटेड केट और सीवेट केट। दुनिया में 38 टाइप ऑफ केट्स पाई जाती है यहाँ। 2 टाइप ऑफ एंटीला डियर, स्पॉटेड डियर और सांबर डियर, और उसके अलावा 2 टाइप ऑफ एंटीलोप है, ब्लू बुल और इंडियन गजल। उसके अलावा यहाँ स्लोथ डियर, जैकल, हाइना, मोनिटर लेजर्ड, पोर्क्यूपाइन, वाइल्ड बोर, मंकी, हनी बजर, इंडियन हेयर, छोटे काफ़ी जानवर दिखते हैं। 350 तरह के बर्ड्स स्पॉट होते हैं रणथंभौर में, और 26 तरह के सांप पाए जाते हैं। रणथंभौर में 70% ट्री दिख रहे हैं ना आपको ग्रे कलर के, ये धोक के पेड़ है, धोकड़ा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, धोकड़ा। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और भारी होती है, लेकिन इसका फर्नीचर नहीं बनता क्योंकि इसकी लकड़ी में क्रैक्स आते हैं। गांव में लोग इसी से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कार्ट एक्सल बनाते हैं, और जलने में बहुत अच्छी होती है। ये जयपुर महाराजा का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी था, जब जयपुर महाराजा का राज चलता था तो इससे कोल बनाकर बेचा और रीप्लांट भी कराया जंगल के अंदर। अप्रोक्स 80 टाइगर है रणथंभौर के अंदर, और अभी डियर जो लेस दिखते हैं ना मॉर्निंग में, वो सारे डियर शाम को पानी पी के पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, और जैसे सनराइज होगा धीरे धीरे वापस नीचे आते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है ऊपर हाइट पे, और टाइगर कभी ऐसी ऑकवर्ड जगह पे चार्ज नहीं करता जहाँ टाइगर इंजर्ड हो जाए, टाइगर कभी रिस्क नहीं लेता है। टाइगर सोलिटरी एनिमल होता है, टाइगर अकेला ही रहता है, केवल फीमेल 2-2.5 साल तक बच्चे साथ रखती है, उसके बाद सब अलग हो जाते हैं वो, और
25 से 40 स्क्वायर किलोमीटर में फीमेल रहती है और मेल 50 से 70 स्क्वायर किलोमीटर में रहता है। एक मेल लगभग 3 फीमेल का एरिया कवर करता है। तो इस तरह से टाइगर रहता है। आगे चलते हैं, धीरे धीरे बताएंगे आपको बाकी। चलिए, गाइड संजय ने बताया कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 80 टाइगर है और हम तलाश में हैं सिर्फ एक टाइगर स्पॉट हो जाए और आना यहाँ पे सफल हो जाएगा। व्हाट यू से? ग्रुप है, ग्रुप पूरा। कितने सारे हैं यहाँ पे? डियर के मेल के सिंग होते हैं, फीमेल के सिंग नहीं होते हैं और हर साल सिंग गिर जाते हैं। हाँ, हर साल नए सिंग आते हैं। जब नए सिंग आते हैं तो ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है, तो अपने गिरे हुए सिंगों को वापस खा लेते हैं। सिंगों को ही खा लेते हैं अपने? अच्छा, जैसे ऐसा कुछ कीचड़ सा हो गया नीचे और यहाँ पे सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही चल सकती हैं। ऐसी हालत देख रहे हो इनकी, बहुत रिस्की होता है। जैसे घुमा दिया, देखो फोर बाई फोर टायर ही कामयाब है, अदरवाइज तो बस समझो आप फंस सकती है गाड़ी। ओ भागे भागे डर के। जेल का मजा है यहाँ पे पूरा। वैसे यार ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है इतना खूबसूरत है, आपको इतनी ज़्यादा यहाँ पे डेंसिटी नहीं है तो होपफुली आपको वाइल्ड लाइफ स्पॉट करने को मिल जाए। मंकी के बोलने की चिल्लाने की आवाज आ रही है, तो कह रहे हैं हो सकता है कि देखो सब लोग उड़ीक में हैं, टाइगर मिल जाए। टाइगर मिलने की उम्मीदें कम हो गई, एक जिप से तो निकल गई, हम फिर भी वेट कर रहे हैं अभी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो यार, पीछे कितनी सारे कैंटर वेट कर रहे हैं, आगे भी देखो। यू कैन हियर द साउंड। आगे देखो कितनी सारी जिप्सी रुकी हुई है इस पॉइंट पे, उम्मीद है स्पॉट करने की। टाइगर स्पॉट तो हुआ नहीं है और देखो इधर वाला कैंटर कर रहा है ओवरटेक, कहता मुझे थोड़ा जल्दी है जाने तो। ओवरटेक जंगल में हुआ ओवरटेक, पर हमारी उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं कि मिल जाए टाइगर। टाइगर नहीं आया, हल्का हल्का अभी देखो बादलों में से कहीं से सूरज निकलता हुआ नज़र भी आने लगा है। वैसे तो हर तरफ कोहरा है, देखो हल्का हल्का भी कोहरा भी कम हो गया है और सनराइज हो गया है बहुत ही खूबसूरत क्लाउडी। मोर देखो पेड़ पे बैठा हो, कितना प्यारा लग रहा है। अंकल मोर देखो यहाँ पे कितने सारे मुर्गे, मोर, लंगूर। यहाँ पे चल रही है जानवरों की मीटिंग। सच अ ब्यूटी। सबकी मीटिंग हो रही है, सारे एनिमल्स की मीटिंग। ये लोग वेट कर रहे हैं, जंगल का किंग आएगा और हमको खा जाएगा। बताएंगे कि आज क्रॉस कर रहे हैं। लंगूर
मीटिंग चल रही है, पूरी जंगल बुक की मीटिंग यहीं चल रही है। देखो ये है, और इधर देखो जंगली सुअर भी हैं बहुत सारे। ये देखो कितना सुंदर है, कैसे पेड़ पे बैठे हैं। ये देखो मोर कितने सारे यहाँ पे। राजस्थान में मोर नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे। पे बनी हुई है एक लेक, पत्थर भी इतना खूबसूरत है। तीतर लग रहा है, डक डक ब्लैक। यहाँ तो उतर गए लोग। ये एंड पॉइंट है ना जंगल का। कितनी प्यारी बर्ड है, यहाँ बर्ड है। एंड पॉइंट है जहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा मतलब नेचर को और करीब से वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने को मिलेगा। इतना डिस्टेरियन है यहाँ पे, सिर्फ बर्ड्स और ज़्यादातर मतलब जब बर्ड्स हैं। और ये पॉन्ड है छोटा सा जहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो पानी पीने के लिए आती है, और बर्ड्स बहुत सारी हैं इसमें। डक और स्वान ये ज़्यादा हैं देखने को मिलेंगे। टाइगर स्पॉट हो या ना हो, बट जो ये नेचर है ना, इसको आपको एक्सप्लोर करने के लिए तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आना बनता है। वो इतनी सीरीन ब्यूटी यहाँ पे ही मिल सकती है सिर्फ आपको, राजस्थान की अरावली हिल्स की सराउंडिंग्स, पत्थर और नीचे पानी। देखो यहाँ पे सब के सब उतर के रुके हैं, सब कैंटर्स वाले। इतनी पब्लिक में टाइगर क्या ही स्पॉट करेंगे, बहुत मुश्किल होता है यार इतनी पब्लिक में। बट ये नेचर इतना खूबसूरत है ना चारों तरफ। देखो यहाँ पे जिप्सी पे आके यहाँ पे बैठ गए ये बर्ड्स। ही मस्ती खोर मस्ती कर रही है मस्ती। 20 मिनट के होल्ड के बाद यहाँ से अभी कैंटर है निकलने की तैयारी में। गाड़ी के आगे आ गया, गया जॉन लगूर जॉन। ओ इतना प्यारा लग रहा है, इतना पास में एकदम। पोज़ दे रहे हैं और धूप में, धूप लेने के लिए बाहर निकले हैं। सर देखिए इतनी खूबसूरत अरावली माउंटेन्स। और यहाँ पे फिर से रुका है कैंटर, कुछ हिरन है वो स्पॉट करने के लिए। अभी रोड देखो कैसी है यहाँ पे, बहुत ही शांत था। नील गाय, वही सब दिखे ना। अच्छा लगा क्या नील गाय? कैसे पता मेल है? बताया भैया, मुझे थोड़ी पता है। बाय। पीछे 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 पोज दे रही है, आप देखो। अहो गई, जाने लगी, जाने जाने दो, देखना है वो। देखो ये खाने का देख रहे हैं। साढ़े तीन घंटे की
सफारी राइड करके पहुँच चुके हैं उसकी मेन पॉइंट पे जहाँ से हमने शुरू किया था। और ये सफारी में इतना मज़ा आया ना यार, वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने को मिलता है, नेचर को एक्सप्लोर करने को मिलता है। हाँ टाइगर मिल जाता तो और मज़ा आने वाला था। आज से ना हमारे वेदर ने भी बहुत साथ दिया, बारिश नहीं हो पाई, बारिश होती तो मतलब और भी कुछ हो सकता था। मैं कभी भी किसी भी नेशनल पार्क में जाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली आप प्लास्टिक जो है ना उसका यूज़ ना करें। बल्कि खाने पीने की चीज़ लेके जाते हैं तो उसको छुपा के रखें, किसी भी जानवर को टीज़ ना करें। जैसे यहाँ पे अभी देख रही हूँ मैं, वहाँ पीछे देखो लंगूर है, उनके सामने ऐसे फ़ोन भी निकाल के यूज़ ना करें, मैं कर रही हूँ जैसे, फुट भी रिस्की, वो छीन सकते हैं आपके हाथ से। ये था हमारा आज का एक्सपीरियंस सफारी का, बहुत 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 मज़ा आया। हमारा बहुत गया हमारे होटल में, होटल रणथंभौर रिजोर्ट जहाँ पे है हमारा स्टे। ओके धन्यवाद, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। और देखिए कुछ ऐसी है हमारे रिजोर्ट की एंट्रेंस, बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर है राजस्थानी स्टाइल में। रिसेप्शन एरिया देखिए यहाँ पे, काफ़ी इन्होंने नेचर को ध्यान रखते हुए पेंटिंग की हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। ओके, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लगी है ना, ये वुडन से बना हुआ है। ये कौन सा वुड है, कौन सी लकड़ी है? कठपुतली, कठपुतली में यूज करते हैं वो है ये। बहुत सुंदर बना हुआ है रेशे वाली। इस प्रॉपर्टी में देखो ऊपर की तरफ भी रूम्स हैं और नीचे भी रूम्स बने हुए हैं और इधर है पूल। और चलें आपको लेके अपने रूम में, एक बार आपको रूम भी दिखा देते हैं और उसका टैरिफ भी बताऊंगी। हवेली जैसा व्यू मिल जाए और यहाँ के रूम्स बहुत स्पेशल है, आपको एक बार आइए रूम दिखाते हैं। ये है हमारा रूम नंबर 210, बहुत ही सिंपल और बेसिक रूम है बट बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। देखो यहाँ पे दो पर्सन के लिए आराम से स्टे पॉसिबल है, तीन भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बेडिंग वगैरह की फैसिलिटी भी मिल जाती है। रूम काफी स्पेशियस है, रेफ्रिजरेटर आपको दिया गया है, रेफ्रिजरेटर अगर आप कुछ ठंडा करना चाहते हो बियर वगैरह वो सब सुविधाएं हैं। टीवी है, इसके अलावा आपको एक कबर्ड भी दिया है, यहाँ पे काफी स्पेशियस कबर्ड है, आपकी कुछ भी सामान जो है वो इसमें फिक्स कर सकते हैं। और ये है वॉशरूम, ये देखिए काफी बड़ा स्पेशियस वॉशरूम है, आपको गीजर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो जिस रूम में हम स्टे कर रहे हैं उस रूम का पे कर रहे हैं 2700 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट डिनर एंड लंच, तीनों मील इसमें इंक्लूडेड है। और ये रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे ही है, ऑन रोड है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पहुँचने के लिए रिक्शा ऑटो सब भी मिल जाएंगे। और हम अभी जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। आ चुका है हमारा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में है सांभर इडली की भाजी है जिसमें आपको कॉर्न आलू और अरे वाह क्या ले आए, थोड़ा सा ये सैलेड भी लेके आए कुछ फ्लावर और गर्मा गर्म पूरी, ठीक है पूरी भाजी, अरे वाह पोहा है क्या ये, पोहे के ऊपर ये ठंडा ठंडा फ्लावर लगा दिया इन्होंने, काफ़ी सही लग रहा है देखने में। तो सबसे पहले खाते हैं यहाँ का ट्रेडिशनल खाना पूरी भाजी, इस प्लेट में डाल देती थोड़ी सी, थोड़ा ऑयल कुछ ज़्यादा ही नहीं तैर रहा, ऑयल स्विमिंग कर रहा है, लेकिन पूरी बहुत सॉफ्ट है और ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। खाते खाते इसको, बहुत बढ़िया भाजी है टेस्ट में और गर्मा गर्म मीठा मीठा सांभर। चीयर्स। तो हम अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। आपको सफारी बुक करनी है तो एडवांस में करें, लगभग यहाँ पे 1 साल पहले ओपन हो जाता है इनकी वेबसाइट जहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलती तो आप ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं आदित्य हैं जिनके थ्रू हमने भी बुकिंग की है, तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। रणथंभौर हम आए क्यों थे, वैसे तो पार्टी करने के लिए और सेलिब्रेशन करने के बहुत प्लेसेज हैं गोवा मनाली, बट यहाँ पे हम आए हैं कि नेचर के बीच में और शांति, कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है उसके बीच में हम अपना 100K सब्सक्राइबर्स स्पेशल सिल्वर प्ले बटन को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। ये पॉसिबल हो पाया है आप लोगों की विशेष से, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, 1 लाख का ये सिल्वर प्ले बटन आया है, जल्दी से गोल्डन प्ले बटन आए, आप ऐसे ही हमारी फैमिली को और बढ़ाते रहिए, प्यार देते रहिए। और अगर आप रणथंभौर आने का प्लान कर रहे हैं ना, रिजॉर्ट में स्टे कर सकते हैं, मैंने आपको सब कॉन्टैक्ट नंबर जितने भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वैसे कल हम शाम को पहुंच गए थे और क्या धूम धमाके से, इतना अमेजिंग सेलिब्रेशन था, होटल वालों ने स्पेशल एक केक का
पहले डिलाइटफुल डे था। आप लोगों को भी अगर मजा आया इस व्लॉग में, सफारी में और 100 के स्पेशल सेलिब्रेशन में, तो या कमेंट कीजिएगा बहुत सारे। आई लव टू रीड योर कमेंट्स। टेक केयर गाइज, लॉट्स ऑफ लव। चलते हैं वापस अब अपने हरियाणा हिसार की ओर। हमारा है रोड ट्रिप यार। यहाँ की रोड्स क्या गजब बन चुकी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से अगर आप आएंगे ना तो मात्र 4 घंटे में पहुंच जाओगे, और इतना खूबसूरत एक्सप्रेसवे बन चुका है ना। और वैसे अब हमारा समय हो चुका है निकलने का। ट्रैवल विद जो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लॉट्स ऑफ लव गाइज, टेक केयर, बाय बाय।